नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 2 आज हम करने जा रहे हैं। गुणनफल प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। पी एक्स हमें एक बहुपद दिया है 2x³ + x² - 2x - 1 और जी एक्स हमें दिया है x+1। तो बच्चों इसको एक्स माइनस ए की तरह का बनाने के लिए मैं प्लस वन को लिखता हूं -(-1)। अब यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखिए यह है एक्स एक्स माइनस माइनस, तो ए किसके बराबर आ गया, ए आ गया -(-1) के बराबर। इसको मैं यहां पे अलग से लिख के आपको दिखा रहा हूं, ए बन गया है -(-1) के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि ये पी ऑफ ए यानी जी एक्स जो है ये इसका गुणनखंड पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, P ऑफ a -(-1) आया तो P ऑफ -(-1) निकालूंगा। ठीक है, तो x की जगह लिखेंगे -(-1)³, 2x की जगह -(-1)³ प्लस x² यानी -(-1)² माइनस 2 × x, x कितना है -(-1), आगे है -(-1)। अब मैं इसे हल करके देखूंगा, अगर ये जीरो आ गया तो हम मान लेंगे कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, अगर ये जीरो नहीं आया तो हम मानेंगे कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। बस इतना सिंपल सा काम है बच्चों। 2 - 1³ होता है -(-1) प्लस -(-1)² होता है +(+1) -(-) प्लस 2 × 2 साथ में है -(-1)। आगे देखिए 2 × -(-1) हो गया -(-2), आगे है +(+1), आगे है +(+2), आगे है -(-1)। अब ध्यान से देखिए, -(-2) से +(+2) कट गया 0, 1 में से 1 कट गया 0, -(-1) कट गया 0, हमारे पास उत्तर कितना आ गया 0। अब देखो P ऑफ -(-1) यदि 0 है तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि P ऑफ A बराबर 0 हो तो x+1 यानी कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। मैं दोबारा कह रहा हूं, हमने कुछ नहीं किया, जी एक्स में से हमने A निकाला, A को x की जगह रखा, देखा ये जीरो आया या नहीं आया। यदि यह जीरो आया तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, यदि यह जीरो नहीं आया तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। आप चाहें तो इसको ना भी लिखें, ठीक है, इसकी जगह लिखिए अतः, अतः मतलब इसलिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आएगा, इसके बाकी भाग हम अगले वीडियो में करेंगे।